हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज किचन ट्रेजर ऑफ फूड। और पूजाज किचन में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी आटे के गुलगुले, परंतु ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी पूरा भर के आटा, गेहूँ का आटा है ये, जो नॉर्मल हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है 2 चम्मच मिल्क पाउडर, साथ ही मैंने लिए हैं 2 चम्मच बेसन के, और थोड़ा बेकिंग पाउडर हम लेंगे। और यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए भीगे हुए बादाम लिए हैं, और साथ ही मैंने यहाँ पर एक कप चीनी ली थी और इसको पूरा अच्छे से भिगा दिया था लगभग 2 घंटे। तो ये इस तरह से दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आटे के गुलगुले बनाना। आटे के गुलगुले बनाने के लिए सबसे पहले ये जो आटा है हमने लिया है, ये इसमें डाल देंगे। साथ ही बेसन लगभग 2 चम्मच हमने लिया है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और इसको मिक्स करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लगातार एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ताकि इसमें लम्स ना रहे। अगर इसमें लम्स रह गए तो हमारी जो गुलगुले हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो लगातार इसको चलाना है। ये हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर 2 चम्मच। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, परंतु इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं। और अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने बादाम लिए थे, इसको इस तरह से छील लिया है और अब इसको कट कर लेंगे। इसे लंबा लंबा काटना है हमें। ये हमारे बादाम कट चुके हैं, और अब इसमें जो हमने बादाम काटे थे वो डाल देंगे। साथ ही बहुत अच्छे टेस्ट के लिए इलायची पाउडर। और इसको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो गुलगुले बनाने के लिए मैंने लो फ्लेम पे कढ़ाई गरम होने रख दी थी, और कढ़ाई हमारी अच्छे से गरम हो चुकी है। इसको अच्छे से घुमाना है ताकि हमारे जो गुलगुले हैं एकदम फ्लफी बने। बस 2 मिनट के लिए। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है और लो फ्लेम पे ही रखनी है हमें। और 1 चम्मच से इस तरह से डालेंगे हम। आप चाहें तो हाथों से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, गुलगुले जो हैं अच्छे से फूलने शुरू हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे आपके गुलगुले। और इसे हमें लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए और फ्राई करना है, ताकि अंदर तक ये एकदम अच्छे से सिक जाए। गुलगुलों का बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, और अब इसको निकाल लेंगे एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ते हुए।
अब इसमें नेक्स्ट बैच डाल देंगे चम्मच से। इस तरह से डालेंगे ताकि इसकी जो गोलाई है अच्छी सी गोलाई बन के रेडी हो। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई होने देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए ये अपने आप ही ऊपर आ चुके हैं, मतलब ये अच्छे से सिक चुके हैं नीचे से भी, और थोड़ी देर के लिए इसे एक तरफ दूसरी साइड से भी अच्छे से ऑयल डाल डाल के और फ्राई कर लेंगे। तो गुलगुले एकदम परफेक्ट रेडी होके तैयार है। अब इसको टिश्यू पे निकाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो गुलगुले हमारे तैयार हैं, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं, और अब इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत गर्म है, और ऊपर से डेकोरेशन के लिए हम इस पर थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देंगे। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो तैयार है आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट गुलगुले। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यम्मी लगते हैं और बहुत अलग ट्रिक से हमने बनाए हैं, तो सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये डिश पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके गुलगुले कैसे बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सी डिश के साथ। तब तक के लिए बाय।